शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान गोविंद सिंह लोंगोवाल द्वारा पूर्व प्रधान कृपाल सिंह बंडूगर के समय पर नियुक्त किए गए 523 मुलाजिमों की भर्ती को खारिज करने का मामला गर्माता जा रहा है। आज बर्खास्त किए गए मुलाजिमों ने SGPC प्रधान के अलावा सुखबीर सिंह बादल और हरसिमरत कौर बादल के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस मौके पर इन बर्खास्त SGPC मुलाजिमों ने SGPC प्रधान को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि ये 523 मुलाजिमों को दोबारा भर्ती करें, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इसके परिणाम SGPC को भुगतने पड़ेंगे। अज असीं इत्थे इकट्ठे होए हां, जिहड़े 523 मुलाजम कढ़े आ उहनां दा मता प्रमाण करके असीं हुण हाईकोर्ट दी तैयारी करनी आ। जे साडियां इक हफ्ते तक इहनां मंगां ना मनियां ते असीं हाईकोर्ट इहनां दे खिलाफ केस दर्ज पावांगे। 1973 तों लै के सारा रिकॉर्ड कढ़ावांगे इहनां दा वी इहनां किहड़ियां किहड़ियां बेनियमियां कीतियां, किहने कीतियां, जिहड़े वी प्रधान ने कीतियां उहनूं असीं कोर्ट 'च खड़ांगे। जे इहनां साडी गल्ल इक होर वी मसला वी जे सानूं कढ़ना है धोखे नाल ते इहनां दे 400 दा परचा दर्ज करावांगे, क्योंकि धोखे ना कढ़ना भी 400 भी इन्हों के बनती है, इन्ह गरीबों नहीं बनती। वो अं परचा दर्ज कराऊंगे अदालत में इन्होंने खिलाफ कढ़िया जी बेनिजमे सामने, पता नहीं बेनिजमे आ बेनिजमे तो कीतिया नहीं सामने, लैटर मिली पेमेंट लैटर मिली जॉब तो अं जान रहे हैं, पैसे देंगे 7,000, 6,000, 8,000 रुपया। सानू नोट्स नहीं दिता 31 तरीक न 5 बजे सारे कहें सवेर तो तुहाड़ी छुट्टी, जिदा कोई अहमद साहब अदाली हुक्म करता उदा हुक्म किया, इन्होंने कोई मतलब नहीं कटन का। 523 मुलाजम टोटल, ये काम किसी 8 महीने, किसी 7, किसी साल, किसी 1.5 साल। ये पिछे श्रोमणी कमेटी के सबका प्रधान बडूंगर साहब तो लौंगोवाल साहब की आपसी किड़वा, जेडे बडूंगर साहब आ वह बालना के आखे नहीं लगते, वह जो सच्चाई से चलते ही तो उन्होंने वेख्या कि बडूंगर साहब पढ़े लिखे बंदे आ ते इन्ने दे कोई काम नहीं चलन देना। उन्होंने दोषी आदमी नूं जिन्हों खुद तनखाह लगी आ, खुद तनखाह लगी अकाल तख्त साहब उन्हों प्रधान बना के ते अपने निजी हित की खातर सारे बंदे ये कढ़े गए आ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੱਢਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ, ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਸੋਚੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਬਸ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। 2017 ਦੀ ਸਾਰੇ ਭਰਤੀ ਕੱਢਤੀ ਜੀ 2017 ਦੀ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ।